नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम दो डिफरेंट कंपनीज़ में सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है तो उनके ही डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहली वैकेंसी आपकी आई हुई है NKG इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की तरफ से। अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, साइट इंजीनियर, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अगर हम बात करें आपके वर्क लोकेशन की तो आपका वर्क लोकेशन जो है वो रहने वाला है रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और संभल। ये सारे यूपी के ज़िले हैं तो आपकी जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहीं पर रहने वाली है। अगर हम बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर बताया गया है आपका डिग्री यानी BBTech होना चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो है आपको यहाँ पर जितनी भी आपके एक्सपेक्टेड होगी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू जो है आपका 4 दिन चलेगा, 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। आपको क्या करना है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और भी जो आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, लाइक जो आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो है सैलरी की लास्ट मंथ की 3 स्लिपें और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा लेकर आपको कहाँ पहुँचना है, NKG इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, ब्लॉक ए, सेक्टर 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर BBTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से और मिनिमम उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। आप डायरेक्ट यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर देखो सिलेक्शन जो है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है कृति पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर भी सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, काफ़ी पोजीशंस के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और डिप्लोमा और BBTech वाले यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। बात कर लेते हैं पोस्टों की तो यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट जो है आपकी रहने वाली है बिलिंग और प्लानिंग इंजीनियर के लिए। BBTech या फिर डिप्लोमा आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है सीनियर इंजीनियर, सेम है BBTech या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपसे 8 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर अगली वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट मैनेजर के लिए, BBTech या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है सुपरवाइज़र के लिए। यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन कोई नहीं मांगी है लेकिन ये बताया गया है कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी मिनिमम 5 ईयर का। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी क्वालिटी में रहने वाली है BBTech या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 8 ईयर का यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी क्वालिटी में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, BBTech में आपका डिप्लोमा या फिर सिविल में होना चाहिए। अगली वैकेंसी जो है आपकी रहने वाली है लेब टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, साइट लेब या फिर ITI अगर आपने कर रखी है तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है ये है फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी स्टीवर्ड, सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी एक ऑफिशियल मेल दी गई है, आपको क्या करना है, आपको अपना एक अपडेटेड CV और उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उनकी आपको सिंगल PDF तैयार करनी है और वो PDF आपको इस ईमेल पर सेंड कर देनी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर इन्होंने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप चाहें तो इस पर बात कर सकते हैं। और इंटरव्यू आपका 21 अगस्त को रविवार के दिन कंडक्ट कराया जाएगा, सुबह 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक।
तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। दो अलग अलग कंपनीज़ में जो है काफ़ी पोजीशंस पर पोस्टें निकाली गई हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप जो है इंटरव्यू ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। आई होप ये पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।